नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जून से चलने वाली ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि अब यात्री 120 दिन पहले आरक्षण टिकट करा सकेंगे। यह सुविधा 1 जून से चलने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के साथ पहले से चल रही देश भर की 30 स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में भी लागू होगी। सभी ट्रेनें प्रीमियम कैटेगरी के हैं। इसमें लॉकडाउन में बाहर फंसे यात्री रोज अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली से रांची, हावड़ा, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, पटना आदि शहरों समेत ट्रेनों का 15 बड़े शहरों के लिए शुरू की गई है, जिसमें से दिल्ली से रांची के लिए सप्ताह में 2 ट्रेन है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ठंडी हवा के कारण भीषण गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से भी 10 डिग्री नीचे है। वहीं बीते दिन झारखंड में आधे घंटे की तेज आंधी बारिश में भारी नुकसान भी हुआ है। 31 मई तक विद्यालयों में किताब पहुंचेगी, रसोइयों के मानदेय की रिपोर्ट मांगी। सरकारी स्कूलों में किताब बांटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 मई तक विद्यालयों तक किताब पहुंच जाएगी। पुस्तक वितरण से पहले बच्चों से पुरानी पुस्तक ली जाएगी, उसके बाद दोनों को मिलाकर सेट तैयार कर वितरण की जाएगी। इधर रसोइया के मानदेय को लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। जिला शिक्षा अधीक्षक से पूछा गया है कि पूर्व में राशि दी गई थी तो मानदेय का भुगतान क्यों नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि केंद्र द्वारा झारखंड को 90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। झारखंड में आज 46 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो हजारीबाग से 10, जमशेदपुर से 15, रामगढ़ से 9, कोडरमा से 7, धनबाद से 3 और बोकारो से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 476 से बढ़कर 522 हो गई, जबकि 216 लोग स्वस्थ हुए और 4 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 173,458 है, जबकि 82,468 लोग स्वस्थ हुए और 4980 की मृत्यु हो गई। झारखंड में मिले मरीजों का ब्यौरा। जमशेदपुर से आज 15 पॉजिटिव मिले, जिसमें 2 महाराष्ट्र, 1 दिल्ली और 1 गुरुग्राम से और 1 चेन्नई से आए हैं। शेष 10 की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी प्रवासी मजदूर हैं। रामगढ़ से 9 मिले, जिसमें से 4 रामगढ़ प्रखंड, 4 पतरातू प्रखंड और 1 चितरपुर प्रखंड के हैं। हजारीबाग से 10 मरीज मिले, जिसमें से 2 विष्णुगढ़, 2 बरही, 3 सदर प्रखंड और बड़कागांव, चौपारण और बरहकटा से 1-1 हैं। कोडरमा से 7 मिले, जिसमें से 4 जयनगर, 2 मरंगकोच और 1 चापडीह के हैं। धनबाद से 3 मिले, जिसमें से 1 बागमरा, 1 भोईफोड़, 1 11 कुंड के हैं। बोकारो से 2 मरीज मिले, जो दोनों मजदूर हैं। 60 श्रमिकों को लद्दाख से किया गया एयरलिफ्ट, 8 लाख तक आया खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड के 60 श्रमिक प्रवासी मजदूरों को शुक्रवार को एयरलिफ्ट किया गया। ये प्रवासी मजदूर लद्दाख के लेह एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के विमान से सवार होकर नई दिल्ली पहुंचे और नई दिल्ली से रात 8 बजे रांची के लिए इंडिगो फ्लाइट से रवाना हुए। सभी प्रवासी मजदूरों का स्वागत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम 7 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार से भी 320 प्रवासी मजदूरों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेह से लोगों को लाने पर करीब 8 लाख रुपए खर्च आया है, जो राज्य सरकार खुद वहन करेगी। झारखंड में 15 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। झारखंड में संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, सभी स्वस्थ रहेंगे तो चीजें आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रफ्तार देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्राथमिकता राज्य के लोगों का स्वास्थ्य और रोजगार है। जब तक हमारा हर आदमी अपने राज्य वापस नहीं आ जाता, हम आराम से नहीं बैठ सकते। 15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल ट्यूशन। संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म होने वाला है। ऐसे में लॉकडाउन 5.0 के दौरान भी 15 जून तक स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी।
संक्रमण से मौत के आंकड़े में अंतर। झारखंड में अब तक 6 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग 4 लोगों की मौत की ही जानकारी देता है। पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की रिम्स में हुई मौत को झारखंड सरकार अपने राज्य में होने वाली मौत नहीं गिन रहा, और गिरिडीह में गुरुवार को जिस व्यक्ति की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसे भी मृत में नहीं गिना जा रहा है। ऐसे में मौत का आंकड़ा अब 4 ही समझा जाए। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की कुलपति बनी सोना झरिया मिंज। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का कुलपति सोना झरिया मिंज को नियुक्त किया है। सोना झरिया मिंज को कुलपति बनाया जाना ऐतिहासिक है। ये JNU की छात्रा रही है और वर्तमान में वहीं पर स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में प्रोफेसर है। झारखंड के पहले विद्युत सौदागृह 30 मिनट में 100 खाक। झारखंड का एकमात्र हरमू में बना विद्युत सौदागृह का ट्रायल किया गया जो सफल रहा। इस ट्रायल के लिए रांची नगर निगम द्वारा रिम्स से लवारिस 100 की मांग की गई थी। 100 को जलाने में लगभग 30 मिनट लगा। मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से विद्युत सौदागृह मरवाड़ी सहायक समिति द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। समिति ने इसका नाम मोक्ष धाम दिया है। इस सौदागृह में 100 को गैस से जलाया जाएगा। मजदूरों को लाने में केंद्र और कई राज्यों से नहीं मिल रहा सहयोग। CM मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में केंद्र और कई राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा से मजदूर को झारखंड लाने में काफी मुश्किल हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है। तमिलनाडु के जय मिल्स में 140 महिलाओं को आने से रोका गया है। इस बात को लेकर गृह मंत्री से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली वितरण को लेकर झारखंड चैम्बर की बैठक। झारखंड ऊर्जा संचार निगम के प्रबंधक के साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई। इस बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष ने हटिया ग्रिड की खराब स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि बिना जांच किए उपभोक्ताओं को औसत बिल भेजा जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है तथा उपभोक्ता को बिल भुगतान करने में परेशानी हो रही है। बैठक में ऊर्जा संचार के प्रबंधक ने हटिया ग्रिड से हो रही समस्या का सुधार का आश्वासन दिया है। अजीत जोगी के निधन पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने जताई शोक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन शुक्रवार को हो गई, जिसकी जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संदेश में लिखा कि अजीत जोगी की असामयिक निधन की खबर से दुखी हूँ, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। धनबाद में संक्रमण जांच को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 17 लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी व्यवस्था बेहद खराब है। 17 लोगों में से 2-4 का ही सैंपल लिया गया। लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा चप्पल बैंक, नींबू पानी सत्तू का भी व्यवस्था। लॉकडाउन के कारण मजदूर पैदल लौट रहे हैं, ऐसे में कई मजदूरों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, जिसे लेकर धनबाद SDM राज महेश्वरम ने चप्पल बैंक का गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि बिना चप्पल पहने जाने वाले को चप्पल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चप्पल बैंक का गठन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गर्मी के प्रकोप से राहत दिलाने के लिए नींबू पानी और सत्तू शरबत का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। उधर धनबाद के IIT ISM के छात्रों के लिए बिना परीक्षा सत्र 19-20 में प्रमोशन करने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर और रांची में बनेंगे ई कोर्ट। जमशेदपुर और रांची में ई कोर्ट बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के आने के बाद मुकदमा कागज पर टाइप की गई याचिकाओं के माध्यम से नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन दाखिला की जाएंगे। जज और अधिवक्ता भी ऑनलाइन सुनवाई और बहस करेंगे। झारखंड में पहले चरण में झारखंड हाई कोर्ट और जमशेदपुर में ई कोर्ट की स्थापना करने पर विचार है। गुजरात से 1590 श्रमिक पहुंचे पलामू। स्पेशल ट्रेन से गुजरात से मजदूर पलामू पहुंचे डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों का स्वागत किया गया। थर्मल स्कैनिंग के बाद पानी व मास्क दिया गया और बस से गृह तक भेजा गया। उधर पलामू में दीदी किचन से हर जरूरतमंद को भोजन दिया जा रहा है। पलामू जिला में 350 मुख्यमंत्री दीदी किचन संचालित है। उधर बीते दिन पलामू में हुए वज्रपात से 2 CRPF के जवान झुलस गए। साथ ही 14 वर्षीय शांति जो मोबाइल लिए हुए थी वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी और सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। गढ़वा में मिले संक्रमण के 3 संदिग्ध।
गढ़वा जिला के रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लक्षण जांच कराने पहुंचे 3 मरीज संदिग्ध पाए गए। तीनों मजदूर का ब्लड जांच के लिए भेज दिया गया है। बीते दिन गढ़वा के रामकंडा में हुए वज्रपात से 4 पशुओं की मौत हो गई और तेज हवा से कई पेड़ पौधे घर उजड़ गए, जिसकी सूचना मुखिया पति विनोद प्रसाद को दी गई। होमगार्ड के जवानों को वेतन भुगतान के लिए कमांडेंट को टास्क। संक्रमण काल में तैनात होमगार्ड के जवानों को समय पर वेतन मिल सके, इसे सुनिश्चित कराने का टास्क होमगार्ड मुख्यालय ने सभी कमांडेंट को दिया है तथा कहा गया है कि जिस पीसीयू में जवान तैनात है वहां के बारे में जानकारी एकत्र कर जवानों का वेतन भुगतान के लिए पीएसयू के अधिकारियों को पत्राचार किया जाए। गुमला में मजदूरों के लिए ग्रामीणों ने बनाए नियम, दंड का भी रखा प्रावधान। गुमला जिला के ग्रामीणों ने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए नियम बनाए हैं। होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को 14 दिनों तक अपने घर से नहीं निकलना है, इसके लिए खुद ग्रामीणों ने निगरानी करते हैं। नियम तोड़ने पर ग्रामीणों ने दंड का भी प्रावधान रखा है। उधर गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से 31 मई बाद दुकानों खोलने की अनुमति मांगी। 15 जून तक बढ़ सकता है झारखंड में लॉकडाउन। 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की जा सकती है। हालांकि लॉकडाउन 5.0 में मोटे तौर पर कुछ और छूट दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मिलकर मुख्यमंत्रियों से बात किए। संभव है पीएम मोदी के निर्देश पर जल्द ही लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया जाएगा। राजधानी रांची के कांके रोड गली सील। राजधानी रांची के कांके रोड में एक महिला के संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने कांके रोड को सील कर दिया है। आने जाने के रास्ते पूरी तरह बंद किए गए हैं। झारखंड के 8 शहरों में सरकार भंग होना तय। संक्रमण काल में नगर निकाय चुनाव टलने से जून में प्रदेश की 8 शहरों की सरकार का भंग होना लगभग तय है। धनबाद, देवघर, चास और चक्रधरपुर नगर निकायों का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। इसी तरह कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मझियाव और विश्रामपुर का बोर्ड भी भंग होगा। डाकघरों के घोटाले पर सीबीआई जांच का आदेश मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के प्रधान डाक और गिरिडीह के उप डाकघर में जमा 11,64,00,000 रुपये की फर्जी निकासी मामले को जांच सीबीआई को सौंप दिया है। साथ ही रांची डोरंडा प्रधान डाकघर के डाक सहायक लोकेश कुमार सिंह पर 5 जाली खाता खोल 40,00,000 गमन करने का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।